नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। जीवन में जब चारों तरफ घना अंधेरा छा जाए, जिंदगी एक बोझ सी लगने लगे, आपका अपना शरीर आपका साथ ना दे, जब पैर चलने से इनकार कर दे, कान सुनने में असमर्थ हो जाए, आंखें देख ना पाए और जुबान पर खामोशी छा जाए, ऐसी अनचाही परिस्थितियों में अगर कुछ काम आता है तो वो है इंसान का हौसला, जज्बा और जुनून। ये जुनून और खुद पर यकीन ही तो है जो तूफान में भी कश्ती पार करा देता है, अंधेरे में भी एक शमा जला देता है और तब खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। 3 दिसंबर यानी विश्व दिव्यांग दिवस, इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगों और संगठनों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दिव्यांग लोगों को लेकर सामाजिक सोच में बदलाव के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया। दिव्यांगों को मूल्यवान मानव संपत्ति बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये समाज की जिम्मेदारी है कि हर शख्स गरिमा के साथ जीवन जी सके। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर हम आपको मिलवाएंगे देश के उन फौलादी लोगों से जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया, अपनी दुश्वारियों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपने बुलंद इरादों की बदौलत पर अपने सपनों को पूरा किया और सफलता के शिखर को छुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष हौसलों की उड़ान। शारीरिक कमियां सफलता के आसमान को चूमने में कोई बाधा नहीं है। इस साल दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले लोगों के हौसले यही बयां करते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिव्यांगों के साथ ही उनके लिए काम करने वाले संस्थाओं को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने दिव्यांग लोगों को देश के लिए मूल्यवान मानव संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के प्रति लोगों को और समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। उन्होंने दिव्यांग लोगों की जरूरतों के हिसाब से नीतियां और कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया। The arrival of the Honorable Vice President of India, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगों को सम्मानित किया। साथ ही दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संगठन, संस्थान, राज्य और उन जिलों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने दिव्यांगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उल्लेखनीय काम किए हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दिव्यांग लोगों के प्रति सोच में बदलाव के लिए जागरूकता अभियानों के जरिए सामाजिक मानदंडों को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज का ये कर्तव्य है कि हर मनुष्य गरिमा के साथ गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोग मूल्यवान मानव संपत्ति हैं। टू टेक केयर ऑफ द लेस फॉर्चुनेट brother and our sisters who for some reason or other has some shortcoming in their physical limbs. So it is the duty of the family at the first instance, duty of the society second instance, and duty of the government, be state government or central government, that is a duty. उपराष्ट्रपति ने दिव्यांग लोगों को उचित करियर मुहैया कराने और जीवन बढ़ाने की नीतियों पर जोर दिया। साथ ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के उपायों को तलाशने की बात कही। उपराष्ट्रपति का कहना है कि दिव्यांग लोगों को संवेदना की जरूरत है, सहानुभूति या दया भाव की नहीं। नॉट सिंपथी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नॉट सिंपथी, एम्पथी। दे नीड एप्रोप्रिएट करियर and life-enhancing policies and programs to lead a dignified life. They need measures to boost their self-confidence. Unka atmavishwas badhana chahiye, unko prashikshan dena chahiye, unko protsahan dena chahiye, unko aardhik star pe bhi madad karna chahiye. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांग लोगों के साथ ही सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा की गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जैसे कानून दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के विभिन्न तत्वों पर केंद्रित हैं।
उपराष्ट्रपति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की अपील की ताकि दिव्यांग लोगों को जल्द से जल्द वांछित लाभ मिल सके। There is a need to harmonize the immunization and disease prevention programs with appropriate rehabilitation models. Children in the susceptible age groups should be given access to better health care and nutrition to prevent occurrence of disability. Education is the key to empowerment of every person, including persons with disabilities. I strongly believe that the provisions of the Act have to be strictly implemented to ensure that children with disabilities have access to school education with proper pedagogical support. इस साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 72 पुरस्कार दिए हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण 2018 राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 21 प्रकार की विशिष्ट दिव्यांगता को 14 श्रेणियों में रखा गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, नियोजन अधिकारी और एजेंसियां, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला, सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इस मौके पर 56 व्यक्तियों और 16 संस्थानों को पुरस्कृत किया गया। दिव्यांग वित्त विकास निगम के माध्यम से, भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से इनको भिन्न भिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और ट्रेनिंग के बाद 70% ट्रेंड लोगों को या तो नौकरी में या कारोबार के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश दिलाने का काम करते हैं। अभी तक हमने इसमें भी सफलता प्राप्त की है। लगभग 3 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया है, 1 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम किया है। 2000 तक ये पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार नियम 2013 के तहत संचालित थे, जिसमें दिव्यांग जन कानून 1995 के मुताबिक इसकी 7 श्रेणियां दी गई थीं। दिव्यांग जनों को अधिकार कानून 2016 के अमल में आने के साथ ही नए कानून में दिव्यांगता की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2,68,00,000 दिव्यांग हैं, जो देश की कुल जनसंख्या के 2.21% हैं। 1992 में हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 2018 का थीम है दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाओ और उनके समावेश और समानता को सुनिश्चित करो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चल नहीं पाने का गम, सुन नहीं पाने का गम, आंखों के आगे अंधेरा, सोचने समझने की शक्ति कम होना, क्या इन कमियों के साथ जिंदगी ठहर जाती है? जी नहीं। दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों की दास्तान जिन्होंने इन तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने कदमों को कभी रुकने नहीं दिया और आज कई लोगों की प्रेरणा बन गए हैं। खुद का बचपन तो बीमारी और इलाज में बीत गया, लेकिन अब जितेंद्र अपना बचपन अपनी बेटी में देखते हैं। नन्ही बेटी को खेलते देख वो अपने जज्बात छिपा नहीं पाते। हीमोफिलिया ब्लड डिसऑर्डर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित जितेंद्र शर्मा को पता है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी बीमारी के साथ गुजारनी पड़ेगी। इसके बावजूद जितेंद्र का हौसला कम नहीं हुआ है। आज जितेंद्र पिछले 11 साल से स्टेट बैंक बीमा कंपनी लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के तौर पर काम कर रहे हैं। और मेरे रूटीन लाइफ में मेरे को रोजाना कहीं ना कहीं शरीर के किसी ना किसी हिस्से पे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसके साथ में मैं काम करता हूँ। मैं उसको मेंटली रूप से अवॉइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा दिन की जो जितनी एक्टिविटीज है वो एक विदाउट उसको इफेक्ट किए हुए उसको कम्प्लीट करूँ। जितेंद्र परिवार के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहते हैं। हर दिन हर पल जितेंद्र के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना जितेंद्र के साथ उनका परिवार भी बखूबी करता है। इसी वजह से उनका परिवार हमेशा साए की तरह उनके साथ रहता है। जब भी इसको लग जाती थी तो हम ब्लड के लिए तैयार रहते थे और परिवार वाले देते थे। छोटा सा हॉस्पिटल था, उसमें ये परेशानियों से बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है इसने। एट के एग्जाम में तो इसका ये हाल था कि कैसे पास हुआ ये भगवान जाने।
हौसलों से भरी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अहमदाबाद के गांधीनगर में रहने वाले और पेशे से आईटी इंजीनियर भूपेंद्र त्रिपाठी ने करीब 5 साल पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दी, लेकिन इस दौरान अपनी आंखों की रोशनी खो दी। लेकिन भूपेंद्र ने जिंदगी से हार नहीं मानी। फिलहाल भूपेंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक के तौर पर काम कर रहे हैं। आरबीआई में से शुरू से लेकर अंत तक मैं ऐसे कहता हूँ कि मतलब एप्लीकेशन में उसकी प्रिपरेशन कम्पिटेटिव एग्जाम की और वहाँ पे जॉइनिंग के समय जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बाकी सारे जो मैनेजर्स थे, ट्रेनी थे, वो लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते थे और जो भी असाइनमेंट्स होते थे वो लोग ग्रुप स्टडी में करके केस स्टडी सॉल्व कर सकते थे, और मेरे लिए ये सब नहीं था कि मैं बुक्स को इतना इजीली पढ़ सकूं। इसी तरह बचपन से ही 50% बौद्धिक दिव्यांग सोनाली ना तो ज्यादा पढ़ सकती हैं और ना ही लिख सकती हैं, लेकिन खेल की दुनिया में सोनाली ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग खिलाड़ी सोनाली ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक में 3 पदक जीतकर देश का मान और गौरव को बढ़ाया। उसको जो थियोरिकल नहीं थी पर उसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा था, तो उसमें ही मैंने वर्कआउट किया। मतलब पूरा फोकस हमने जो सिर्फ शौक के लिए स्केटिंग सिखाया था उसको फिर मैंने गोल बना दिया और वो इंटरनेशनल तक गई। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये किसी आम पहलवान के जीते हुए अवार्ड नहीं है, बल्कि खेल जगत में गूंगा पहलवान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह की है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह बचपन से ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन 11 साल की उम्र से ही कुश्ती में अपना दमखम दिखा रहे हैं। साल 2002 में सामान्य खिलाड़ी को हराकर वीरेंद्र ने पहला नेशनल अवार्ड जीता। वीरेंद्र अब तक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 2 और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 3 बार के डेफ ओलंपिक्स मेडलिस्ट वीरेंद्र सिंह साल 2016 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं जब छोटा था 10 या 12 वर्ष का, तो मैं यहाँ दिल्ली आया और मैंने देखा अपने पिताजी और चाचा जी, वो अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे और उनको देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे भी कुश्ती लड़नी है और अपने देश के लिए मेडल जीतना है। दिव्यांगों का ये हौसला किसी सपने जैसी कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि अगर इरादे बुलंद हैं तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। जरा सोचिए, जब इन लोगों ने कुछ करने की ठानी तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और पूरे देश में अपना परचम लहरा दिया। ये वो दिव्यांग है जो आज भारत का दिव्य अंग बन अपने देश की आन बान और शान बन गए हैं। कैमरा पर्सन नवीन और दिलीप मैथी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। डॉक्टरों ने कह दिया कि पैरों में खराबी की वजह से चल नहीं सकते, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत आज वो एक कामयाब इंसान के साथ ही एक प्रेरणा भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोद आज अपना हर काम खुद करते हैं, यहाँ तक कि खुद की गाड़ी चलाकर पढ़ाने जाते हैं। उनके इसी हौसले को सलाम करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रमोद कुमार सिंह को सर्वश्रेष्ठ गति विषयक दिव्यांगता कर्मचारी के पुरस्कार से सम्मानित किया। ये है दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे प्रमोद कुमार सिंह। पैरों की कमजोरी को कभी भी हौसलों की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया। प्रमोद 90% गति विषयक दिव्यांग है, यानी ऐसे शख्स जो हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों से जुड़ी खास गतिविधियों को सामान्य तरीके से अंजाम नहीं दे सकते, लेकिन मन में किसी मुकाम को पाने की लालसा ने प्रमोद को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए भी बड़ी बात है। प्रमोद DU में संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने संस्कृत में शोध कार्य किया है। गति विषयक दिव्यांगत शिक्षाविद के रूप में स्थापित होने के उनके मजबूत इच्छा शक्ति को नहीं रोक पाई। नवंबर 18 या 19 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था लेक्चररशिप के लिए। उससे पहले मैंने दृढ़ इच्छा कर लिया था कि मुझे चल के जाना है, व्हीलचेयर पे नहीं जाना है। और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे पहले मैं कभी नहीं चला था। मतलब वो पूरे एक साल ऐसी स्थिति में उसे गुजरा कि मैं चलना तक भूल गया था, पैर भी मेरा काम कम करता था।
लेकिन मैंने कैलिपर्स लगाए और एकदम सोच लिया था इंटरव्यू चल के जाके दूंगा। प्रमोद कुमार सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत में बीए और एमए किया। शुरू से ही उनको परिवार से पूरा सहयोग मिला। वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते गए। शुरू में कठिनाइयां भी आईं। पोलियो की तरह की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद वो आगे चल नहीं पाए, लेकिन प्रमोद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इस कमी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और जीवन में आगे बढ़ते गए। डीयू में पढ़ाने के लिए वो खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर जाते हैं। छात्र भी उन्हें खूब पसंद करते हैं। जब आदमी ये सोचता है कि हम विकलांग हैं और तमाम चीज़ों को देखता है कि उसके साथ ही कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है, तो उससे उसके अंदर संकीर्णता की भावना आने लगती है। इन सब मामलों में थोड़ा सा अलग रहा हूँ। अभी जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं क्रिकेट इत्यादि से, आप यकीन मानिए कि मैं इस समय 2 से 3 घंटे अपने ऊपर शरीर पर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि मुझे अगले मार्च में भारतीय टीम में सिलेक्शन लेना है। प्रमोद कुमार सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। वो पारिवारिक जीवन की हर जिम्मेदारी को हंसते हुए निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं करते हैं काम, लेकिन अवार्ड किसी किसी को मिलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी वाइफ जो भी मिलता है वो भी बोलता है कि आप तो बहुत लकी हैं, आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं, ये सब भी लोग बोलते हैं, वो करते हैं, उससे भी बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है। बेसिकली मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिला है, संस्कृत पढ़ने का। उन्होंने मुझे देखा कि इतना बढ़ रहे हैं वो, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी करूँ तो कुछ अच्छा कर सकती हूँ। प्रमोद कुमार सिंह साहित्य सेवा सम्मान पुरस्कार, संस्कृत समृद्ध सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान हासिल कर चुके हैं। प्रमोद कुमार का जीवन किसी के लिए भी प्रेरणादायक है। प्रमोद कुमार के हौसलों से पता चलता है कि मजबूत इच्छा शक्ति से शारीरिक बाधाएं विकास की राह में बौने साबित हो जाते हैं। समाज भले ही इन्हें दिव्यांग कहता है, लेकिन ये देश के लिए दिव्य के साथ साथ गौरव भी हैं, और इन्होंने अपनी असाधारण उपलब्धियों से ये साबित भी कर दिखाया है। अगर इन्हें तमाम सुविधा उपलब्ध करा दी जाए और इनके जज्बे और हौसले को बढ़ावा दिया जाए तो ये असंभव को संभव कर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो अगर आप ठान लो तो जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है। ऐसी ही हैं 23 साल की निष्ठा दुदेजा, जो हर उम्र के लोगों के लिए मिसाल हैं। निष्ठा को उपराष्ट्रपति ने रोल मॉडल कैटेगरी के तहत दिव्यांग पुरस्कार से सम्मानित किया है। जन्म से सुन नहीं सकती, इसके बावजूद उन्होंने शुरुआत में जूडो और टेनिस जैसे खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया। निष्ठा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हाथ आजमाए और मिस डेफ एशिया 2018 का खिताब जीत देश का नाम रोशन किया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए दिल साफ होना जरूरी है। अगर आपका दिल अच्छा होगा तो रात को आप आराम से सो सकते हो और आपको गिल्टी फील नहीं होगी कभी भी। हरियाणा के पानीपत की निष्ठा टुडेजा जन्म से ही सुन नहीं सकती, लेकिन हौसले ऐसे कि आसमान को छू ले। ये जन्म से ही 100% श्रवण बाधिता है। शारीरिक दिव्यांगता उपलब्धियां हासिल करने में कोई बाधा नहीं है, इसकी निष्ठा जीती जागती मिसाल है। हाल ही में निष्ठा मिस डेफ एशिया बनी है। भारत में ये ताज पहली बार किसी महिला को पहनाया गया है। उस दिन चीन, थाईलैंड, ताइवान, इजराइल, बेलारूस, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के प्रतिभागियों के सामने निष्ठा की शोहरत सच चढ़कर बोल रही थी। तीन बरस की उम्र में घर वालों को पता चला कि निष्ठा सुन नहीं पाएंगी। 7 साल के स्पीच थेरेपी के बाद निष्ठा ने बोलना और समझना सीखा। निष्ठा ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता की इन बुलंदियों को हासिल किया है। टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो मेहनत करो, और क्योंकि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने मेहनत की और फेफअप नहीं गया तो कितने अच्छा फील हो गए। एज ए रिजल्ट मुझे भी ये हमेशा ये लगता था कि
कि बेटी को आगे बढ़ना है, जो भी ये करना चाहती है, हमने कभी इसको मना नहीं किया कि ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है, हमने कोशिश की कि ये इसको इनकरेज करें। निष्ठा जब 7 बरस की थी तो जूडो खेलना शुरू किया और कई मेडल भी जीते। 12 बरस की उम्र में इन्हें टेनिस का जुनून सवार हुआ और जल्द ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी बन गई और 3 बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेनिस में भी कई सारे पदक ये अपने नाम करा चुकी हैं। माँ बाप को दोनों ही बच्चों को पूरा पूरा साथ देना चाहिए, माँ बाप के लिए दोनों बराबर होने चाहिए और लड़कियों को तो जो आज का समाज है उसमें तो लड़कियों को और भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो कहीं पर भी अपने आप को कम नहीं समझें। मिस डेफ एशिया बनने में इनके माँ बाप ने हर कदम पर ना सिर्फ इनकी हौसला अफजाई की बल्कि कोच की भूमिका भी निभाई। माँ बाप कभी हेयर ड्रेसर बने तो कभी डांस टीचर। अगर फेस में कोई भी कमी थी जैसे कंसीलर अच्छा नहीं लगाया तो पापा बोलते हैं कंसीलर नहीं लगाइएगा, तुमने कंसीलर लगाओ अच्छे से लगा। पिछले बरस डॉक्टर ने निष्ठा को टेनिस खेलने से मना कर दिया, इसके बावजूद इनका हौसला कम नहीं हुआ। अपनी जिजीविषा से इन्होंने टेनिस के बाद एक और क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया। तो मैंने सोचा अगर मिस बड़ा इंडिया होती है तो निष्ठा इंडिया भी होना चाहिए, तो फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च की तो पता चला, फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मुझे पार्टिसिपेट करनी है, फिर पापा को इन तोड़ ले गई मैं तो इंदौर में, फिर सब ठीक है, फिर मैंने कहा अगले साल में पार्टिसिपेट करूँगी और जीतूँगी और जीतूँगी। दिल्ली में पली बढ़ी निष्ठा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज से की है। फिलहाल ये मिठीबाई कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स में एमए कर रही हैं। निष्ठा जीवन में संघर्ष से हार ना मानने वाली एक असली मॉडल है और हम सब के लिए एक जीता जागता उदाहरण कि कोई भी इंसान अपनी जुस्तुजू अपनी लगन से जीवन की कोई भी बुलंदियां छू सकता है। ऐसी कई कहानियां हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन इन कहानियों को किसी सहारे की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ इनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं राहुल पांडे, राज्यसभा टीवी। अगर इरादे बुलंद हों और हौसलों में कोई कमी ना हो तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। समाज के हर तबके में मौजूद इसकी कई मिसालें हम सबके सामने हैं, जिन्होंने हर विपरीत स्थिति में हिम्मत नहीं हारी और अपनी शारीरिक कमजोरी को दरकिनार करते हुए हिम्मत से आगे बढ़े और समाज के सामने एक मिसाल कायम की। छोड़े जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अपने आप में पूर्ण एक आम आदमी जब कुछ खास करता है तो दूसरों की नजरों में उसका आना स्वाभाविक होता है, लेकिन जब इंसान शारीरिक रूप से ही पूर्ण ना हो और फिर भी सफलताओं की इबारत लिखता जाए तो वो एक नजीर बन जाता है। और इसकी मिसाल है दिल्ली के निम्न मध्यम वर्ग में पैदा हुए ललित कुमार। 4 साल की उम्र से ही पोलियो से ग्रस्त हुए ललित कुमार ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक मिसाल कायम की है। और मुझे 4 वर्ष की आयु में ही पोलियो हो गया था और उसके बाद पोलियो ने मुझे बिल्कुल एकदम बेड रिडन कर दिया, लेकिन फिर भी अपने परिवार की सपोर्ट के चलते और अपनी एक इच्छा शक्ति के चलते मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार के पहले स्नातक ललित कुमार ने यूएन के लिए 5 साल काम किया है। साहित्य प्रेमियों के लिए उन्होंने ऑनलाइन लाइब्रेरी कविता कोश की शुरुआत साल 2006 में की। आज कविता कोश में तमाम भारतीय भाषाओं और बोलियों की कविताएं मौजूद हैं, जिसे हर महीने दुनिया भर के 5 लाख से ज्यादा पाठक पढ़ते हैं। ललित के हुनर यहीं तक नहीं रुकते, वे recapable.com के नाम से दिव्यांगों के लिए एक वेबसाइट भी चलाते हैं। इसमें दिव्यांगों से जुड़ी जानकारियां होती हैं। इसके साथ ही वे दशमलव यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर चुके हैं जो दिव्यांगों को जरूरी जानकारियां देती है। उन्होंने
एक ऐसे सॉफ्टवेयर का भी आविष्कार किया है जो अंग्रेजी को इशारों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज में अनुवादित करता है। वी कैपेबल वेबसाइट के अंदर हम विकलांगता से जुड़ी तमाम जो पहलू हैं उनके बारे में बात करते हैं और विकलांगजनों को हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, मेडिकल इंफॉर्मेशन हो, वो सारी इस वेबसाइट के जरिए देने की कोशिश करते हैं। ललित कुमार के मुताबिक किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे मजबूत हथियार शिक्षा है और यही शिक्षा किसी भी सफलता का आधार बनती है। ललित कुमार जैसे समाज में और भी कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को सफलता के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने दिया। मिलिए उन्हीं में से एक डॉक्टर आशीष चोपड़ा से। भले मुझे पार्किंसंस रोग हो सकता है लेकिन मेरे हौसले और जज्बे को पार्किंसंस नहीं हो सकता। पिछले 7 साल से पार्किंसंस रोग से पीड़ित डॉक्टर आशीष चोपड़ा जब अपने जज्बे को इन शब्दों में बयां करते हैं तो उनका हौसला देखते ही बनता है। ये मेडल और ये सर्टिफिकेट इस बात की गवाही देते हैं कि उनके हौसलों ने कितनी ऊंची उड़ान भरी है। खेल से बेपनाह मोहब्बत करने वाले डॉक्टर आशीष को जब पहली बार पता चला कि उन्हें पार्किंसंस है तो एक बार के लिए गहरा धक्का लगा शायद अपने सपनों को अब पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारे और आगे खेलने का विचार जारी रखा। उनके इस हौसले और हिम्मत को मुकाम तब मिला जब कुकू कुबे खेल में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल हुआ। उन्होंने टेबल टेनिस में भी कई मेडल जीते। इसके अलावा लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए वो एक एनजीओ भी चलाते हैं। उनके एनजीओ ने खून मुहैया कराकर अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। He has worked so many in more than 15 NGOs. He has donated blood and works for their goodwill. He has got a certificate of appreciation from the President of US, Barack Obama. And he has also got a certificate of appreciation from the Queen Elizabeth, you know, for his being a self-motivator and a role model for the youth. शारीरिक संपूर्णता सफलता की कुंजी नहीं होती। सफलता के लिए जरूरी है चट्टानों की तरह मजबूत इरादे और पहाड़ की तरह बुलंद हौसला। अगर ये विशेषताएं हैं तो शरीर साथ ना भी दे तो भी सफलता बहकर साथ हो लेती है। ये दो उदाहरण इस बात की जीती जागती मिसाल है। आस्था कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।